हरियाणा पुलिस ने चलाया साइबर जागरूकता अभियान, छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन के बारे में बताया गया। खबर हरियाणा हरदोई से सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र सहित आसपास के स्कूल व कॉलेजों में साइबर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत छात्र छात्राओं को जानकारियां देकर जागरूक किया, जिससे कि साइबर अपराधों से बचा जा सके। साइबर अपराधियों द्वारा आए दिन हो रहे साइबर क्राइम की घटनाओं को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत हरदोई पिहानी मार्ग पर स्थित माँ सरस्वती बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल बिलहरी पिहानी में पहुंचकर छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। हेड कांस्टेबल शुभम श्रेष्ठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पासवर्ड या ओटीपी नंबर पूछे जाने पर किसी भी कीमत पर जानकारी ना दे, अन्यथा 2 मिनट में आपकी गाड़ी कमाई साफ कर देगा और आप चक्कर लगाते रह जाएंगे। वहीं कांस्टेबल प्रेमवीर ने साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि बैंकों से संबंधित किसी प्रकार की साइबर घटना होती है तो सर्वप्रथम 1930 पर सूचना दें, साथ ही स्थानीय पुलिस एवं संबंधित बैंक के शाखा से संपर्क कर अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचे और ओटीपी एवं पासवर्ड नंबर को भूल कर भी किसी के साथ साझा ना करें। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी तनिष्का यादव व मनजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि फेसबुक बैंकिंग बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले अपराध के संबंध में सावधानियां बरतने की सलाह दी। उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट से हनी ट्रैप के संबंध में साइबर अपराध की जानकारी दी तथा सिम कार्ड के माध्यम से एटीएम कार्ड बदलकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक, यूपीआई संबंधित अपराध के प्रति जागरूक किया और उसके बाद सभी छात्र छात्राओं को पैम्पलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल शुभम श्रेष्ठ, प्रेमवीर, महिला पुलिसकर्मी तनिष्का यादव, मंजीत और विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र बहादुर सिंह, रूपम पाल, पूनम पाल, सोनी पाल व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रोफाइल पिक पे, ठीक है, उसका भी। और दूसरी चीज, आप अपनी निजी जानकारी, मोबाइल नंबर हुआ या जो भी जानकारी है, उस पे आप शेयर ना करें। तो होता क्या है, आपके फोन में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है, आप उसको जब तक आप नहीं जान रहे हैं तब तक आप उस पे क्लिक ना करिए, तब तक आप उसको ओपन ना करिए। आप कभी भी आपसे आपका ओटीपी या सीवीवी क्या होता है जानते हैं? एटीएम कार्ड देखा है आपने? एटीएम कार्ड जब आप इसी तरीके से जब आप एटीएम में ट्रांजेक्शन करें, एटीएम में जाए, एटीएम पता लगता है, किसी को यूज नहीं करना आता है कोई भी सही, तो मैंने कहा ये पैसे निकाल दो, इन्होंने क्या किया, एटीएम